हेलो गाइस, तो मैं हूँ वरना और आपका स्वागत है कोर इन्फिनिट विदर्ना में। तो आज के अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने एक टॉय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्लोन किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने डिस्कॉर्ड पर ही मुझे इमेज मिली थी, जैसे यहाँ पर हाय भाई और बाय भाई लिखा हुआ है स्टार्टिंग और एंडिंग में। और उसके बाद कंसोल लोग के लिए यहाँ पर बोल भाई यूज़ किया हुआ है, मतलब हिंदी में है। और उसके बाद वेरिएबल के लिए भाई ये है ए इज इक्वल टू 3, ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है इसमें। और उसके बाद जब तक भाई यहाँ पर वाइल लूप है, जब तक भाई बी इज लेस देन 5 तब तक प्रिंट कर रही है बोल भाई, जिसमें कंसोल लॉग करेगा। और उसके बाद ये इफ स्टेटमेंट भी है, अगर भाई बी इज इक्वल टू ए बोल भाई बी इज इक्वल टू ए। तो चलिए मैं आपको सिखाऊंगा इसे हम इसे मैंने एक क्लोन कैसे किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसे क्लोन करने के लिए अपने वी एस कोड में आता हूँ। तो वैसे मैं आपको बता दूँ, इस लैंग्वेज का नाम है भाई लैंग। तो जब मैंने पहले मैंने इसे क्लोन किया, उसके बाद जब मैंने इसे सर्च किया गूगल लैंग से, उसके बाद मुझे पता चला कि ये भाई लैंग है। तो जब मैंने भाई लैंग को सर्च किया, यहाँ पर उसकी वेबसाइट आई, तो यहाँ पर इसका प्ले ग्राउंड भी आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे हाय भाई के पीछे वाला सारा इग्नोर होगा, उसके बाद बाय भाई के बाद वाला भी सारा कुछ इग्नोर होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बॉडी टैग के अंदर पहले टैग लगाएंगे भाई लैंग। उसके अंदर हम लिखेंगे, पहले सबसे पहले हम लिखेंगे हाय भाई, फिर हम उसके लास्ट पर फिर हम लिखते हैं एक बार कंसोल लॉग के लिए बोल भाई। तो हम कंसोल लॉग करेंगे एक बार हेलो, उसके बाद हम लिखेंगे बाय भाई, और हाय भाई के पहले वाला हमें इग्नोर करना है और बाय भाई के बाद वाला हमें इग्नोर करना है, इसका भी ध्यान रख कर करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे स्क्रिप्ट, उसका सोर्स होगा, मैंने एक स्क्रिप्ट रेडी कर रखी है, उसका नाम है भाई लैंग डॉट जे एस। तो उसके अंदर हम लिखेंगे, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, वेरिएबल जे एस इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल भाई लैंग। उसके बाद मैं लिखूंगा फॉर लूप लगाऊंगा मैंने एक, उसके अंदर मैं लिखूंगा सबसे पहले मैं इसका जो स्टाइल है मैं इसका डिस्प्ले नन कर दूंगा, इसका डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन। उसके बाद मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, वेरिएबल मैं इसका वेरिएबल नाम लिखूंगा टेक्स्ट इज इक्वल टू जेएस आई डॉट इनर टेक्स्ट लिखूंगा मैं, इनर एचटीएमएल के अंदर ये अच्छी तरह वर्क नहीं करती। जब मैं इसे क्लोन कर रहा था, मुझे प्रॉब्लम आई थी इनर एचटीएमएल से। चलिए उसके बाद मैं लिखूंगा, पहले मैं हाय बाय से स्टार्ट करेंगे, तो मैं इसके लिखूंगा वी आर, फिर मैं लिखूंगा टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, रिप्लेस नहीं लिखूंगा स्प्लिट, इसमें स्प्लिट करेंगे हाय भाई। उसके बाद हम लिखेंगे हाय भाई, हम लिखेंगे वन, ताकि हाय भाई के बाद का ये लिखे डॉट स्प्लिट, उसे फिर से स्प्लिट करेंगे बाय भाई जीरो। तो उसके बाद हम लिखेंगे फिर हम लिखेंगे टेक्स्ट, उसको हम रिप्लेस करेंगे टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, रिप्लेस ऑल हम लिख देते हैं, हम करेंगे बोल भाई, हम इसे रिप्लेस करेंगे कंसोल डॉट लॉग से। उसके बाद एक बार हम एक नया स्क्रिप्ट का टैग बनाते हैं, वेरिएबल नंबर में यस, तो मैंने इसे बना दिया। उसके बाद स्क्रिप्ट डॉट इनर टेक्स्ट लिख लिया, हम इनर टेक्स्ट लिखते हैं एक बार, इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट नहीं मैं लिखूंगा, इवेल्युएट करूंगा मैं इसे,
चलिए एक बार इसे सेव कर देखते हैं। ओ मैंने इसका डिस्प्ले मैंने सब किया था। ओ मैंने इसे गेट एलिमेंट में क्लास नेम कर दिया मैंने इसे गलती से। चलिए अब इसे सेव कर देखते हैं। यस एक बार हम चेक करते कोई एरर तो नहीं आ रहा है। कंसोल ओ मैंने इसे कंसोल के मैंने बस स्पेलिंग गलत लिख दी है। यस यहाँ पर एक कंसोल लोग कर रहा है हेलो हमारे इस कोड की वजह से। ये जो हमने कोड लिखा था बोल भाई हेलो ये अभी कंसोल कर रहा है हेलो। अब देख सकते हैं वैसे हम यहाँ पर अब हम एक वाइल लूप लगाते हैं। इससे पहले मैं एक वेरिएबल यहाँ पे वेरिएबल भी क्रिएट करने के लिए लगाते हैं। इसे वेरिएबल क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हमने भाई लाइन के अंदर था भाई ये है ना भाई ये है यस भाई ये है भाई खेलने भाई 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 ये है। मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ ए इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0 मैं क्रिएट कर देता हूँ। फिर टक टक भाई मैं एक वाइल लूप लगाऊंगा ए इज लेस देन 5 मैं इसमें यूज लिख देता हूँ। तब तक हम करेंगे बोल भाई लिखूंगा ए। उसके बाद में एक बार इसे कोट चढ़ा देता हूँ। एक बार ए उसके बाद में यहाँ पर एक लाइन ब्रेक भी लगा देते हैं यहाँ पर। और उसके बाद मैं लिखूंगा ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। तो चलिए एक बार इसे सेव कर देखते हैं। सबसे पहले मुझे भाई है पहले मुझे वेरिएबल का भी बनाना पड़ेगा फिर मैं लिखूंगा। ये काफ़ी सिंपल होने वाला है। इसके बाद मैं इसे सिंपली कॉपी करूंगा उसको मैं इसे पेस्ट करूंगा फिर मैं लिखूंगा भाई ये है फिर मैं इसकी जगह लिख दूंगा वेरिएबल। फिर उसके बाद जब मुझे ये माता जब तक भाई इसे मैं रिप्लेस करूंगा इफ से वाइल से जब तक भाई इसे मैं रिप्लेस करूंगा वाइल से मुझे चेक करते हैं वर्क कर रहा है या नहीं। यस भाई वर्क कर रहा है 0 1 2 3 ये क्या कोड यस। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रहा है पहले ये हेल्प प्रिंट कर रहा है फिर यहाँ पर हम एक बार इफ स्टेटमेंट भी लगा कर देखते हैं। हम इसके अंदर ही एक नेस्ट करेंगे इफ स्टेटमेंट को। मैं इफ को लिख रहा हूँ अगर भाई ए इज इक्वल टू 5 यस यहाँ पर दिखा रहा है इक्वल टू 5 यस। तो बोल भाई मैं एक बार इसे रिप्लेस करता हूँ अगर भाई को मैं रिप्लेस करूंगा इफ से यस। यहाँ पर लिखा यहाँ पर दिखा रहा है ए इज 5
तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इजी है इसे क्लोन करना। तो चलिए आज की इस वीडियो में वेट वो मैंने से बाद में इंक्रीमेंट करना चाहिए था मुझे। यस तो मैं बट 10 कर देता हूँ एक बार, यहाँ पर ही हमको दिखाएगा। यस तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इजी था। तो आप देख सकते हैं मैंने एक पूरी टॉय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंट्रोल कर क्लोन कर लिया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे अपनी एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।